तबला। एक घने जंगल में एक बाज रहता था। वह बहुत घमंडी था। वह बहुत ही बलवान है करके उससे तेज और ऊपर कोई नहीं उड़ सकता करके गर्व करता था। इससे बिना किसी वजह से हर एक पंछी की मजाक उड़ाते हुए चिढ़ाता था। एक दिन बाज को कहीं कुछ भी सूझ नहीं रहा था, तो ऐसे ही काली बैठकर उसे कोई तो मिलेगा ही करके इंतजार कर रहा था। तभी उस तरफ से उड़ता हुआ जा रहे पंछी को रोक कर कहा, थोड़ा बल भी नहीं है और ना ही सुंदर हो, शायद अभी उड़ना भी नहीं आता। देखो तो मेरे आंखों के सामने कोई कीड़े की कूदने की तरह लग रहा है, बोलकर चिल्लाने लगा। उन बातों से पंछी को बहुत गुस्सा आया और कहा, मुझे तुम्हारे जैसे आकाश में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हर किसी के अपने अपने सामर्थ्य होते हैं। अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर मुझसे मुकाबला करके तुम्हारे सामर्थ्य से मुझे हराओ, देखेंगे। मुकाबले के लिए पंछी मान गए और तुरंत मुकाबला क्या है बताने को बाज ने कहा, इधर से हमारे उड़ने का मुकाबला शुरू होगा, उधर दूर के बड़े पेड़ को पार करके इधर वापस लौटने वाला ही जीतेगा। इसके लिए बाज भी मान गया। पहले से ही बाज चालबाज है करके उधर ही आसपास के सारे पक्षियाँ जज बनेंगे करके बोले। मुकाबला शुरू होने के तुरंत पंछी उड़ता हुआ हवा में जेट से चली गई। कैसे भी जीतना मुझे ही है करके बाज अपने मजबूत पंखों को फैलाकर धीरे से मुकाबले में उतरा। वे दोनों पेड़ों के बीच से उड़ने लगे और वह पेड़ बहुत ही बड़ा और ढालों से घना था। बाज बहुत तेज बिना कुछ सोचे उस पेड़ की तरफ गया। इससे उसके दोनों पंख दो ढालों के बीच फंस गए। वह ना ही आगे जा पा रहा था और ना ही पीछे। ऐसे ही बहुत देर तक तड़पने लगा। पंछी पतली सी और छोटी सी होने के कारण ढालों में घुसकर पत्तों के बीच से बाहर निकलते हुए अपने मुकाम पर पहुंच गई और मुकाबला जीत गई। और फिर पंछी के कहने पर बाकी के सारे पक्षी आकर बाज को उन घने पेड़ों की ढालों से छुड़ाए। इससे प्रकृति में सभी एक समान है करके जानने वाला बाज उस दिन से किसी को भी परेशान नहीं किया और जंगल में सब एक साथ मिलजुल कर रहने लगे।